हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज दिस इज इंग्लिश पर वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशन रेस्टोरेंट डायलॉग्स की अगर हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी बाहर खाना खाने जाएंगे तो हमने उनको ऑर्डर कैसे देना है हमने कैसे इंग्लिश में बात करनी है क्योंकि आजकल के टाइम में इन दिस प्रेजेंट सनार योगाइज इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इट इज़ मतलब मस्ट इट इज़ मस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश विथ वेन एवर यू गो आउट तो चलो हम आज ईजी से इजी डायलॉग्स करते हैं जो कि कोई भी बोल सकता है लेट स्टार्ट द वीडियो वट टाइप ऑफ फूड और रेस्टोरेंट डू यू प्रेफर इटालियन चाइनीज और अदर एक फ्रेंड दूसरे से पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे वाला खाना खाना पसंद है तो अगला बोलता है इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड ओके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट आई यूजली गो ऑन वीकेंड्स एक फ्रेंड दूसरे से अभी पूछ रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं अभी उन्होंने रेस्टोरेंट जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नेम द थ्री कोर्सेज ऑफ मील वो उसका टेस्ट ले रहा है रहेगा एन येजर मेन डिश एंड डिजर्ट वेन डिड यू लास्ट गो टू द रेस्टोरेंट आई वेंट टू लास्ट सनडे मैं लास्ट संडे गया था हाँ वॉज़ द फूड एंड द एटमोसफियर मतलब उसका पूरा का पूरा टेस्ट लिया जा रहा है कि तुम गए भी थे या नहीं फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं गाइज द फूड वॉज क्रम एंड द एम्बियंस वॉज टू गुड एम्बियंस में गाय सब कुछ आएगा लाइक वहाँ का एटमोस्फियर वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ की लाइटिंग और वहाँ का जो uh, जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब कुछ एम्बियंस में आ जाएगा कि वो कैसा था इट वॉज़ टू गुड वेटर अब वो पहुंच गए हैं और वो ऑर्डर करेंगे गुड इवनिंग सर हाउ कैन आई हेल्प यू कस्टमर येस यू हैव अ गोट यू हैव यू गोट अ फ्री टेबल येस हैव यू गोट अ फ्री टेबल वेटर येस सर्ट एन इंड श्योर वेयर वुड यूट लाइक टू सिट? वेयर वुड यू लाइक टू सिट नीयर द विंडो और नीयर द पूल मतलब आपकी चॉइस है विंडो के पास बैठना है कि पूल के पास वेटर श्योर सर फॉलो मी दिस वे मतलब जहाँ पे भी उन्होंने बोला होगा मे बी पूल और विंडो देन कस्टमर कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज वेटर ये यू आर अगर तो उनके हैंड में होगा तो वो उसी टाइम दे देंगे ये यू आर अगर सपोज करो वो मेन्यू menu... किसी और के पास है तो वो बोलेंगे वेट फॉर द गेस्ट टू चूज देन वेटर आई यू रेडी टू ऑर्डर कस्टमर ये कैन आई हैव अ वन वाइट सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड वेटर

तो वो मतलब जो लेमोनेड है वो अच्छा लगेगा कि नहीं तो वो उससे पूछ रहा है वेटर येस इट इज प्लेजेंट मतलब वो बहुत अच्छा है एनीथिंग एल्स आप कुछ और लेंगे कस्टमर नो दैट्स ऑल थैंक यू वेटर योर फूड विल कम सून सर आपका फूड जल्दी ही आ जाएगा नाव अब आ गया है खाना तो वो बोलेगा हेयर वी आर मतलब लेकर आ रहे हैं लेकर आ गए हैं हेयर वी आर योर फूड योर फूड आई होप यू विल इन्जॉय योर मील अब खाना उन्होंने खा लिया है अब खाना खाने के बाद अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो वो कस्टमर बुला रहे हैं कस्टमर कहते हैं कैन यू कम हेयर प्लीज देन वेटर येस श्योर सर वुड यू लाइक समथिंग फॉर डिजर्ट कस्टमर आई विल हैॉकलेट केक अगर किसी को चाहिए तो वो ये बोल सकता है कुछ भी जो भी आपकी च्वाइस है मैंने चॉकलेट केक बोला है और नो जस्ट द बिल प्लीज अगर किसी को नहीं कुछ डिजर्ट में चाहिए तो वो बोलेगा नो जस्ट द बिल प्लीज वेटर येस सर जस्ट अ मिनट वैन वेटर हेयर वी आर मतलब अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो वो बोलेंगे हेयर यू आर तो ये तुम्हारा बिल है दैट्स उसकी अमाउंट लिखी होगी दैट्स नाव कस्टमर थैंक यू सो मच वेटर सेम टू यू एंड हैव अ नाइस डे मतलब दोनों में बहुत स्मूथ सी कॉन्वर्सेशन हुई है और अगर आपको गाइज वीडियो अच्छी लगी हो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आ गई है इंग्लिश पर की न्यू वीडियो ओके गाइज टेक केयर बाय और सब अपना ध्यान रखिए मज़े में रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय